फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय आशा ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैं सुबह सुबह खाना बना रही हूँ और मैं आज 5 बजे उठ गई थी क्योंकि दीपावली के दिन चल रहे थे और दीपावली के अवसर पर सभी की छुट्टी थी। 2-4 दिन से सभी लोग फ्री घर में थे और अब जो है छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो सब अपने अपने काम से जाएंगे और बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो इसलिए हमें आज जो है बहुत जल्दी उठना पड़ा। और जिसको जहाँ जाना है वो अपने अपने काम से निकल जाएंगे और ये लोग जो आई हुई थी, ये लोग देखिए भी जा रही हैं आज, क्योंकि इनके भी स्कूल खुले हुए हैं। तो ये लोग तैयार हो चुकी हैं सुबह सुबह। तो ये खाना पीना मैंने बना दिया था, तो खाना इनको पैक भी कर दिया था, तो ये लोग जा रही हैं। और मैं नीचे नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं खाना बना रही थी, तो इसकी वजह से मैं नीचे नहीं आ पाई थी क्योंकि बच्चों की भी तैयारियां जल्दी करनी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी भांजी है जो आज जो है भैया दूज के 3रे दिन आई हुई है क्योंकि इनको टाइम नहीं मिला है, तो ये आज आ गई हैं। होता क्या है कि रक्षाबंधन के दिन लोग उसी दिन जाने को जल्दी होती है और उसी दिन जरूरी भी होता है, और ये भैया दूज का त्यौहार ऐसा होता है कि आप लोग पूज के जो है, हम लोग पूजा कर देते हैं और उसके बाद नहीं आ पाते हैं तो सामान रख देते हैं और जब टाइम मिलता है तभी दे आते हैं जाके। तो आप लोग देख सकते हैं ये लोग आज 3रे दिन आई हुई हैं क्योंकि उनको समय नहीं मिला था। तो ये यहाँ पे बच्चों को रचना करने जा रही, कह रही हैं कि जल्दी कर दूँ क्योंकि इनको अपने घर भी जाना है। ये हमारी भांजी है तो ये अपने मायके जाएंगी। तो शाम हो गई थी, वैसे भी दोपहर हो गई थी, तो ये कह रही थी कि मैं अभी जा रही हूँ, फिर दोबारा भी आऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रचना कर रही हैं। और ये देखिए, ये जो आप लोगों को मैंने बताया था कि भैया दूज में जो है रुई की जो है पगड़ी बनती है, तो ये देखिए इसके सर पे रखी हुई थी, तो इसने फिर से दोबारा रख लिया है और बोला ये बोझा रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे। और फ्रेंड्स, आज हमारी जो है तबीयत बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है हमको, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सारा दिन से आज मैं लेटी थी और कुछ भी नहीं किया हुआ था और थोड़ा बहुत वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड किया है। तो आज जो है कल से हमारी शाम से तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, आप लोग आवाज़ से समझ गए होंगे, क्योंकि हमें बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे इंजॉय करिए। और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये अभी नहाया हुआ नहीं था जब वो रचना उसके कर रही थी, तो ये नहीं नहाया था, तो ये नहा के आया हुआ है और अब ये रचना करवा रहा है। तो और पैर भी छू लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये मिठाइयाँ भी लेके आई हुई हैं यहाँ पे, तो ये भी अपने मायके भी जाएंगी, इनको बहुत जल्दी है। तो फ्रेंड्स, वो लोग चले गए थे तो मैं इधर काफ़ी दिनों से सोच रही थी, 2-4 दिन से सोच रही थी कि पौधे सूख रहे हैं, पानी देने वाले हैं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज हमने सोचा चलो इनमें पानी दे देते हैं, तो ये घर ही से पानी देना इनको पड़ता है क्योंकि पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग पाइप डाल देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सूखी सूखी मिट्टी हो गई है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो पौधे मैंने मिर्च के लगाए हुए थे अलग जो हटा के लगाए हुए थे, तो वो कुछ पौधे चले हुए हैं और कुछ मुरझाए हुए हैं। तो जो छोटे पौधे थे वो चल गए हैं और जो बड़े हैं वो मुरझा गए हैं, हो सकता है वो बाद में चल जाएं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे धनिया जो होती है ना, उसको मैं बो दे रही हूँ क्योंकि इस समय जो है ठंडियों में धनिया पत्ती की जो है चटनी होती है बहुत अच्छी लगती है और सब्जी में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ पे छिड़काव कर देती हूँ क्योंकि ये भी जल्दी से जग आएगी। तो यहाँ पे हाँ, भिगो के धनिया पत्ती जो है पहले भिगो के इसका छिड़काव किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही कर रही हूँ, अब हमें याद नहीं रहा था तो मैंने सोचा चलो ऐसे कर देते हैं और पानी बाद में इसमें पानी भी दे देंगे तो ये फूल जाएगी और आराम से इसको जगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको जो है बो के मैं इसको मिट्टी से बंद कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो बीज ऊपर ही रह जाएंगे तो वो जगेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, तो मैं इसको मिट्टी से दोबारा से मैं इसको कर रही हूँ, तो मैं इसको मिट्टी से बंद कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं पानी लगा दिया है और पानी पौधों को मैं दे रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और इसमें होता क्या, ये मिट्टी भरान की है तो इसमें अक्सर मिट्टी बैठती रहती है। इतना पानी हम लोगों ने भरा लेकिन मिट्टी बैठती ही जाती है। तो यहाँ पे मैं उसको बंद कर रही थी क्योंकि पानी बाहर निकला जा रहा था और ये पौधों में नहीं जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे देख लिया था तो मैंने सोचा इसको जो है खुरपे से आराम से इसमें मिट्टी भर देंगे तो ये पानी बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ मिर्चियाँ तोड़ लेती हूँ क्योंकि मिर्चियाँ कुछ लगी हुई थी, ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो मैंने सोचा इनको तोड़ लेती हूँ और मिर्चियों के पौधे में भी पानी दे देती हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स शाम के 6 बज रहे हैं और अभी जो है हमें खाना भी बनाना है और आज हमारी तबीयत भी नहीं सही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है और आप लोग खुद ही आवाज़ से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है बहुत मतलब अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, खाने की तैयारियाँ भी मैंने नहीं की है और आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा वीडियो मतलब जो हमसे हो सका मैंने वो रिकॉर्ड किया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ किसी अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।